गाड़ी की इतनी जोर से ब्रेक लगी थी, मैं अचानक से मैं सीट के पीछे देखा तो वो पूरा फेस का ना एक मास्क वहाँ पे, वो किसी और की बात कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, उसका मेकअप पूरा उतर गया था उस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ गया हूँ मैं नेपाल से वापस, और ये मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा भाषण नहीं लूँगा, बस मैंने ये कहना है कि एपिसोड 2 हम शुरू करने लगे हैं, ये आप सारा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ठीक है, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि एपिसोड नंबर 3 और 4 वो भी आप तक पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं भेरा इंटरचेंज पर, और यहाँ अभी स्टे है हमारा ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का। यहाँ पे लोग उतर रहे हैं, हुमैरा कहाँ रह गई, आ जाएं मिस्टर हुमैरा, ये लोग सारे उतर रहे हैं, मैं तो पहले ही आगे आ गया था, कहाँ रह गए हैं भाई, आ जाओ भाई, आ जाएं जी। अब हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं खाने के लिए, नहीं मैं नहीं, नहीं आपको, आपके अलावा नहीं, पेरेंट ने अलाव नहीं ना किया आपको, मैं छुप के आया हूँ। चलें जी हमारे साथ रहिए, अब यहाँ पे हम कुछ छूसने लगे हैं, आप सो रही नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो और क्या, वो सारा मेकअप उतर गया सीट पे, वो पूरे शक्ल की निशान नजर आ रहे जी। अब देखते हैं यहाँ से हमने क्या खाना है, ये वैसे ही मैं मुफ्त में इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ अपने व्लॉग से। तो हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय करेंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब लगी है हमें भूख, अब जा रहे हैं हम लोग हार्डीज में, बल्कि वो लोग तो पहले ही अंदर पहुंचे हैं, कितनी गलत बात है यार ये। लग गया हमारा ऑर्डर, लग गया ऑर्डर, अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ऑर्डर नंबर 4, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच शहबाज, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू शहबाज जी, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आ गया फ्राइज, कहाँ बैठ के खाना है भाई, आ जाओ इधर ही बैठना, ये वो दादा दरबार के बाहर से, दादा दरबार के बाहर से। लो भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई इधर तो, और इतनी रात में 3:30 बजे का टाइम है, और ये वाले फ्राइज, लोडेड फ्राइज, ये हार्डीज के, खाओ खाओ। 2000 years later. ये ना सोचिएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हुआ हमारे साथ ये है कि एक हमारी जो है ना साथ खातून है, उनको देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा। तो ये हमारी गाड़ी तो खड़ी है, और ये हम लोग अभी मरी में और नथिया गली वाली साइड पे ही जा रहे हैं, तकरीबन आधा पौना घंटे की ड्राइव भी है हमारी, है ना, अभी तकरीबन आधा घंटा में लग जाएगा। हाँ। हम बाड़िया के पास है, बाड़िया से आगे ऑनवर्ड्स केपी के स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम केपी के और पंजाब के बिल्कुल कह रहे हैं कि जंक्शन पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, बस इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। सर्दी थोड़ी थोड़ी लग रही है लेकिन इस, हाँ शुरू हुई है, इसको इंजॉय कर रहा हूँ मैं नहीं चाह रहा कि मैं जैकेट पहन के खड़ा हो जाऊँ, ये मज़ा आ रहा है सर्दी का, हमारे साथ रहिएगा, आप भी इंजॉय करो ये। तो हम लोग पहुंच गए हैं डुंगा गली, ये यहाँ से हम लोग अभी 10 मिनट का यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे नाश्ता करेंगे, नाश्ते के लिए हमारी गाड़ी रुक गई है, लोग उतर चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये सारे चले गए हैं अंदर, कहाँ गए हैं भाई ये लोग मुझे छोड़ के। हाँ भाई, इसकी हालत क्या हो गई है, उजड़ा चमन बन गया ये तो, बेटा शॉन माइकल बन जाओगे, कहाँ गई है वो लोग, वो इनकी भी हालत क्या होगी है भाई, ऊपर जाना है अभी आपने, कहाँ गई हूँ मेरा कहाँ। अच्छा सारे अभी फ्रेश हो रहे हैं, फिर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आपको नाश्ता भी दिखाते हैं यहाँ का, इस होटल का नाम क्या है, होटल का नाम ही नहीं बताया, स्नोलैंड हाँ, यहाँ से नाश्ता करके फिर हम लोग निकलेंगे, नाश्ता हमारे साथ ही करना है आपने, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं सारे मुझे छोड़ के,
फिर फ्रेश होने जा रहे हैं, ऊपर जाके क्या हालत होगी फिर दोबारा से फ्रेश होने की जरूरत पड़ेगी। सर्दी लग रही है, सर्दी क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यार सर्दी लग रही है, बोलो वहाँ खड़े हो, वो नज़र आ रहे हैं सेंटर में। बाकी भाई यहाँ पे तो ठंड बहुत हो रही है, इतनी ठंड लग रही है। अच्छा किया जैकेट लेके आ गया, तो मैं तो पहन ही नहीं रहा था जैकेट, इन्होंने ज़बरदस्ती बोला भाई जैकेट पहन के जाओ यहाँ से, नहीं बर्दाश्त हो रही सर्दी। अभी तो ऊपर जाना है, ऊपर पता नहीं क्या हालत होगी। लाइट चेक करो, वाह। तो हम लोग तैयार होके आ गए हैं, इतना सारा सामान एक दिन के लिए, बल्कि 24 घंटे भी नहीं 18 घंटे के लिए हम लोग आए हैं। इतना सारा सामान उठा के ले आए, मैंने तो भाई फेस ही वॉश किया है और सन ब्लॉक लगा लिया है, काला हो जाना मैंने, पहले तक काला रहेंगे और काला हो जाना, मैंने हफ्ची बन जाना है। हाँ तो जो घर से जो आटे के डब्बे में मुँह मार गया और क्या, वो ये लोग तो तैयार भी हो गए, वो सारे वहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने लगता है नाश्ता कर लिया है। नाश्ता कर लिया है, बाकी सामान हम लोग रखने जा रहे हैं। चलो भाई, और भाई लड़ाई होगी औरतों की यहाँ पे, लड़ाई होगी पीछे औरतों की, लड़ाई होगी सामान रखने पे, तो फिर मैंने ही कुर्बानी दी है। हाँ है, हेल्प कर रहे हैं हम लोग, हाँ दरिया में डाल, सही बात है, खाई में डाल, यहाँ पे तो खाई है, हाँ खाई में डाल, हाँ अभी फिलहाल सामान हम लोग रखेंगे यहाँ पे, फिर खाए पिएंगे। ये जी डूंगा गली चौक के मशहूर चाचा जी हैं, रोल एंड होटल के होते हैं और पिछले 10 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, यहाँ पे पराठे बना रहे हैं और जो पराठों का टेस्ट इनके हाथ के जायका जो है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, ना आपको कोई लाहौर में कोई कोटा छोटा था फारे में। वो देख के बहुत ही मजे के पराठे लग रहे हैं ये, तो मेरा तो दिल करा इधर ही खड़े खड़े खाता जाऊंगा। इसके साथ ऑमलेट खिलाएंगे, बस मजा आने वाला है, फिर यहाँ पे मजा आने वाला है भाई। चलो भाई चलो जी, वेट कर रहे हैं नाश्ते का, भूख लग गई है अब, मैं दांतों पे भी लगा ली लिपस्टिक, साफ करो ये, मुस्कुरा रहा है ये, शर्मा रहा है ये। नाश्ता आ गया, आपने आधा खाना है ना? चने भी आए हैं और जैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो पराठा मैं देख के आया ना भाई, चचा ने पराठे बहुत मजे के बनाए, उसी का तो टेस्ट होता है अंगूठे का। आ गया ये लच्छा पराठा, कम से कम उस सीडी पराठा से तो लाख गुना बेटर है। सीडी पराठा किस किस ने खाया? हाँ कोयटा महफिल वालों का सीडी पराठा, सीडी साइज का पराठा, हाँ सीडी साइज का पराठा, बहुत तो छोटा सा पराठा होता, 6 खा लेता हूँ मैं, हाँ। चलो भाई शुरू करो, इसके साथ चाय भी ले आते तो मजा आ जाता। हम लोग आ गए हैं वापस नाश्ते के बाद, अब जो है यहाँ से प्लान है हमारा हाइकिंग का, और हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे, हमें लीड करेंगे मजर भाई, क्योंकि इनका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और ये लगते भी पूरे एथलीट ही हैं, और ये तो माशाल्लाह ट्रेनर है, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे साथ जो हैं कौन कौन है, बाकी सारे अपने नग पूरे कर लो भाई, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस, सबका वेट कर, हाँ बस 2-3 मिनट लगेंगे, हमारे साथ ही रहना, आपने हम लोग अब इधर से मूव करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है हमारे साथ ही रहना। हम लोग पैदल आए, जी ये वाला एपिसोड तो हो गया ख़त्म, और आगे आपने देख लिया कितने एडवेंचर हम लोग करने जा रहे हैं, तो अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।